ट्रेंड समर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छिलके वाली उड़द दाल के पुलाव की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने छिलके वाली उड़द दाल बनाने के लिए हमने एक ग्लास चावल लिया है। इसमें हम आधा ग्लास उड़द दाल लेंगे, छिलके वाली है ये देखिए। और अब हम इसमें पानी डालकर इसे 2 से 3 बार हम इसे धो लेंगे। अच्छे से रगड़ कर इसे हम साफ कर लेंगे धोकर। देखिए फ्रेंड्स, हमने धोकर ले लिया है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें डालने वाले कुछ खड़े गरम मसाले देख लेते हैं। हमने एक प्याज लिया है, 8 से 10 गोलमरीच के दाने हैं, एक बड़ा इलायचा है, 2 तेज़पत्ता है, आधा चम्मच जीरा है, मीठा लकड़ी है और 2 लौंग है, 1 इलायची है। अब हम गैस की ओर आ गए हैं। इसमें हम कुकर रख लिए हैं, इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल लिए हैं। अब हम सभी गरम मसाले को इसमें डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी गरम मसाले को डाल लिया है। इसे हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। मिक्स करके इसे हम थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल लेते हैं। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, प्याज को डालकर भी हम इसे फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को हम अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 2.5 गिलास पानी डाल लेंगे। हमने 1 गिलास चावल और 1/2 गिलास दाल लिया है। 1.5 गिलास के लगभग हम इसमें 2.5 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2.5 गिलास हो गया है। अब हम इसमें उबाल आने के लिए इसे हम 5 मिनट छोड़ देंगे मिक्स करके। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल और दाल को जो हमने धोकर रखे थे इसे डाल लेंगे। इसे डालने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। इसमें हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर इसमें 2 सीटी आने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारे काले उड़द दाल की पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये छिलके वाली उड़द दाल की पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।